properties of electric field lines. This was asked how many times? This was asked in 2015, 2016, 2017, 18, 19. हरे रे, जुलाई एंड मार्च मिक्स टाइम बैठे, 17 को भी आया था ये. ओके, ये कितनी बार आया फाइनल एग्जाम? 2 से 3 मार्क के लिए. ये आया है कर्नाटका स्टेट बोर्ड, हमारा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया. देख, मैंने ऐसा नहीं लिखा मार्च जुलाई, मैंने कंटिन्यूस लिख दिया, कौन सा तो मार्च रहेगा, कौन सा तो जुलाई रहेगा. तो क्या है, अब तुझे रियलाइज हुआ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम से? फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जाम इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि कितनी बार आया है. ठीक है, तो हम पहले प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करते. बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, अच्छा रहेगा तू वही प्रॉपर्टीज वही लिखे जो हम ऑर्डर में जाते हैं. और एक बात, लास्ट ईयर मेरे को बच्चा पूछा, सर प्रॉपर्टीज लिखते टाइम 2 मार्क के लिए तो कितना प्रॉपर्टी लिखूं? मेरा मानना है 4 प्रॉपर्टी लिखना, 8 आने का 1 प्रॉपर्टी, 50 पैसा का 1 प्रॉपर्टी. हाँ, तो 4 प्रॉपर्टी, 3 मार्क के लिए तो 6 प्रॉपर्टी लिख लेना, 4 मार्क तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा. 2 मार्क के लिए तो 3 मार्क के लिए आएगा प्रॉपर्टीज लिखना. तो हो सके तो 4 से 6 प्रॉपर्टी लिख देना, 2 मार्क के लिए तो 4 के ऊपर लिखना मत, फालतू का वेस्ट है. बट अज्यूमिंग वो पहले 4 करेक्ट है, अज्यूमिंग वो पहले 4 प्रॉपर्टीज करेक्ट है. अब हम डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विदाउट ब्रेक. लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विदाउट ब्रेक. हाँ सर, इसका मतलब क्या? फर्स्ट पॉइंट है सर. हाँ सर, इसका मतलब क्या? कंटिन्यूस स्मूथ कर्व मतलब बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है. बोले तो लेट मी टेक दिस चार्ज. ओके, ये चार्जेस ऐसे रहेंगे, ऐसा कुछ चार्जेस रहेंगे. अब चार्जेस स्मूथ है, स्मूथ बोलते हैं, कंटिन्यूस है, स्मूथ एंड कंटिन्यूस मतलब क्या? मीन्स व्हाट? लेट मी एक्सप्लेन मीन्स व्हाट. मान लेते हैं कि ये चार्ज बॉडी है क्यू. लेट अस से दिस इज अ चार्ज बॉडी क्यू. एक लाइन ऐसा आया, ये कट हुआ, बाद में है, ऐसा है, फिर नहीं है, फिर है, ऐसा नहीं चलता है. लाइक दिस इट इज नॉट अलाउड. इट शुड बी अ कंटिन्यूस वन. ऐसा टुकड़े टुकड़े में नहीं है, आया गायब हुआ आया. इट इज कंपल्सरी अ कंटिन्यूस स्मूथ कर्व. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ले, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ले, वो कंपल्सरी कंटिन्यूस है, स्मूथ कर्व है. क्या इधर तक फर्स्ट पॉइंट गया? वो ऐसा बीच में आया गायब हुआ फिर आया ऐसा चलता नहीं है. सो कंटिन्यूस स्मूथ कर्व रहते हैं. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ वी विल गो विद द सेकंड पॉइंट. ओके, नाउ वी विल गो विद द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट No two lines can intersect each other. ये क्या ये देखे तुझे 10th का मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज याद आता है? हाँ बच्चा, क्या ये देख के 10th का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज याद आते हैं? है ना, 10th में भी ऐसा ही था ना. No two lines can intersect each other. इसको मैंने बोला क्रॉस ईच अदर यानी इंटरसेक्ट, तो ब्रैकेट में लिख सकता है. नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, सेम लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको भी क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को. बोले तो क्या? लेट मी टीच. बोले तो क्या? लेट अस से ये चार्ज है प्लस, अब ये ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा नहीं हो सकता. एक लाइन दूसरे लाइन को ऐसा क्रॉस नहीं कर सकता. जिंदगी में कभी 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. ऐसा 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 ऐसा
ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा आगे इधर जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है? सो नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. क्या यू डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चा? हाँ या ना? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. सॉरी क्वेश्चन नंबर. द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज. दे कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप. यस, यही करना है. द लाइन्स ऑफ फोर्सेस, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोजेस एट नेगेटिव चार्ज. दे कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप. दे कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. बोले तो देट मी एक्सप्लेन. बोले तो ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है. अज्यूम कर ये प्लस है, ये माइनस है. तो ये कैसे दिखते हैं? लेट मी एक्सप्लेन. ये ऐसा आएगा ना, ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ये ऐसा जाएगा. दिशा याद है? याद है कल हमने डायरेक्शन किया था. मैंने कहा था, आई हैव टोल्ड यू, प्लस के लिए बाहर की तरफ, माइनस के लिए अंदर की तरफ. प्लस के लिए बाहर की तरफ, माइनस के लिए अंदर की तरफ. ये ऐसा रहेगा लाइंस. ओके, ये ऐसे रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे, समथिंग लाइक दिस. क्रॉस नहीं कर दे, ये डोंट गो माय डायग्राम, ये तो रफ स्केच है. ये ऐसे रहेंगे. और एक दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन को देख के ही मार्क्स दिया जाएगा. सो ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ. सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड क्लोजेस टुवर्ड्स नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो क्लोजेस. सर अगर somebody will ask me, सर नेगेटिव नहीं है तो? नहीं है तो नहीं है बॉस. फिर स्टार्ट होगा, क्लोज नेगेटिव पे नहीं होगा, बट स्टार्ट होगा, खत्म नेगेटिव के लिए नहीं होगा. बट अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव के पास जाएगा. ओके, अगर अकेला है तो अकेला है. बट यह पे क्या लिखा है? दे कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप. सर दे कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप का मतलब क्या है? मतलब ये प्लस ऐसा है, ये ऐसा जाके ऐसा नहीं आएगा. ये है क्लोज लूप. ये ऐसा जाके वापिस जहां से स्टार्ट किया, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, फ्रॉम देयर इट कैनॉट एंड. फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, फ्रॉम देयर ओनली इट कैनॉट एंड. हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता. ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता, इसको बोला गया क्लोज्ड लूप. ओके, अब बोल क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज एकदम थरो होने चाहिए. फोर्थ पॉइंट बात करेंगे हम. इधर तक सबको गया? क्वेश्चन पॉइंट नंबर फोर. ठीक है, पॉइंट नंबर फोर. दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज. बोले तो क्या सर? दे हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज. दे हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज. दे हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज. बोले तो क्या सर? लेट मी एक्सप्लेन. बोले तो क्या? यहां पे एक प्लस चार्ज है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस. ये लाइन्स ऐसे हैं आउटसाइड. हाँ, प्लस लाइन्स आर ऑलवेज आउटसाइड. ऐसा है, समथिंग लाइक दिस. अभी क्या होगा देख. दिस इज ओके सर, दिस इज परफेक्ट, दिस इज अंडरस्टूड. लेट मी ब्रिंग वन मोर चार्ज इसके बाजू. अब क्या होगा? यही तो कंडीशन है. अब क्या होगा?
दे हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, मतलब जब एक प्लस चार्ज आएगा तो ये जो लाइंस ऐसे थे अब ये थोड़े से बदल जाएंगे, ये लाइंस ऐसे हो जाएंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये भी ऐसे हो जाएंगे। क्यों ऐसे हो गए, क्यों ऐसा क्यों हुआ सर, पहले ऐसे थे अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पहले स्ट्रेट थे अब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सर क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्यों, अगर सेम चार्ज है तो ऐसा होगा, या अगर ऑपोजिट चार्ज है कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड जो भी बोल दो, अगर उल्टा चार्ज है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे जो ऐसे था अब ये ऐसे हो जाएंगे, तो ये डिपेंड करता है। पॉइंट बहुत सिंपल है सर, प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, यानी लाइंस लाइंस एक्सटेंड भी हो सकते हैं, लाइंस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ये ऐसे था, देख जब ये एब्सेंट था ना, व्हेन दी नेगेटिव वाज एब्सेंट, व्हेन दी नेगेटिव वाज एब्सेंट, ये ऐसे था, जब से ही नेगेटिव आया ये ऐसा नहीं, ये जुब करके चला गया, ये जुब करके चला गया, ओके, बट यही पॉजिटिव आया तो ये ऐसा दूर चला गया, कॉमन सेंस है, दूर की सेम मैग्नेट जैसा ही है, बच्चा सेम मैग्नेट जैसा है, नॉर्थ नॉर्थ लाएगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ लाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, बस इसी को बोला गया दे हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। क्या इधर तक तुझे फोर्थ पॉइंट गया, क्या तुझे फोर्थ पॉइंट गया, कुछ नया लग रहा है कि सर ये तो टेंथ जैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में है, सर ये तो टेंथ जैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन में हो रहा है, बट उधर मैग्नेट था इधर इलेक्ट्रिक है। क्या चार प्रॉपर्टी क्लियर हुए, क्या सर फिफ्थ प्रॉपर्टी से जाए, सर जाएगा अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी से, बहुत सिंपल है सर, सब कुछ लॉजिकली डाल रहे, बिन लॉजिक के कुछ भी मत डालना, सब कुछ लॉजिक के साथ ही डालेंगे हम, ओके। डिस्कशन कंटिन्यूज आगे, क्वेश्चन नंबर फोर डन, पॉइंट नंबर फोर डन, सॉरी ना, पॉइंट नंबर फाइव, ऑल द नोट्स आर शेयर्ड विथ यू, ओके, यू कैन हैव अ लुक, प्लीज डू हैव अ लुक विथ रिस्पेक्ट टू नोट्स, हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट, बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके मुंह पे क्वेश्चन नंबर ही आ रहा है। पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये भी टेंथ में सेम था, ये भी टेंथ में था मैग्नेट के लिए, द रिलेटिव क्लोजनेस, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस gives us an idea about the strength, about the strength of the electric field at that region, the strength of the electric field, of the electric field, of the electric field at that region, at that region, हाँ बोले तो let us discuss, बोले तो relative closeness, सर बच्चा relative closeness of the lines of forces, मतलब ये जो line of forces है ये कितने close crowded है, relative closeness यानी crowded है, बहुत simple लेता हूं तुझे, okay, वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें दिमाग खराब करने के लिए है ही नहीं, बट कितना लॉजिकल, हाउ मच लॉजिकल इट इज, लेट अस से दिस इज फाई, लेट अस से जस्ट दिस इज ई, नाउ यू टेल फाई से लाइंस ज्यादा आएंगे, मैं तो रफ ड्रॉ कर रहा हूं, डोंट गो बाय माय डायग्राम, के प्लस ई से ज्यादा लाइंस आएंगे, रफ है हाँ, फाई के ज्यादा लाइंस के प्लस ई के ज्यादा लाइंस आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर फाई के आएंगे, सर फाई के आएंगे, तो कॉमन सेंस है ना, गर्दी किधर है, फाई में है, गर्दी फाई में, तो क्लोजनेस ऑफ लाइंस, क्लोजनेस ऑफ लाइंस,
ये बहुत क्लोज है, देख ये बहुत क्लोज है, मतलब यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये दूर दूर है, राइट। यहां पे भी देख, यहां पे लाइन ज्यादा है, ये सेम एरिया इतना ले, ये सेम एरिया ले, यहां पे वीक है बट यहां पे स्ट्रांग है, मतलब क्या सर? बहुत सिंपल, गर्दी ज्यादा है, क्राउडेड ज्यादा है, स्ट्रांग है, क्राउडेड वीक है, सॉरी लाइंस वीक है, लाइंस कम क्राउडेड है, तो लाइंस कम क्राउडेड है तो स्ट्रेंथ वीक है, लाइंस ज्यादा क्राउडेड है तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट, करेक्ट करेक्ट। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर 2 to 3 मिनट डिस्कस करेंगे सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर। एम आई ओके? एम आई ओके? द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्सेस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट रीजन। इजी है कि टफ है? ये सब जानने के लिए इजी है कि टफ है? ये सब चीजों को समझने के लिए टफ जा रहा है, इजी जा रहा है? ओके, डिस्कशन कंटिन्यूस, डिस्कशन कंटिन्यूस। ओके, पॉइंट नंबर सिक्स, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट। ऐसे चलते गए तो दुनिया के पॉइंट है बट मेजर मेजर जो हेल्प हेल्प करेगा वो यही है। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सॉरी ऑफिस से क्वेश्चन नंबर आ रहा है रे, क्या हो रहा है मुझे नहीं आ रहा है। ओके, सिक्स स्टार मार्क फॉर कॉन्सेप्ट, नॉट फॉर एग्जाम, स्टार मार्क फॉर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर द फील्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल। ओके, इलेक्ट्रिक स्टार मार्क, इसी के ऊपर क्वेश्चन आए एग्जाम में, इलेक्ट्रिक कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, और अदर वे राउंड तू ऐसा बोल सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, स्टार मार्क बोला मैं स्टार मार्क बोल रहा हूं, इसको और एक बार करते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसको लेके कितने सारे कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं, इसी स्टेटमेंट को लेके आगे कितने सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। मेरे नोट्स के लास्ट पार्ट में जाना, लास्ट पार्ट जहां पे मैंने बहुत सारे नोट डाला है। नोट मतलब वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने एक बार डाला है इसको कि गिव रीजन व्हाई, तेरे मन में भी डाउट आएगा एंड आना भी चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में जीरो क्यों? ऐसा क्यों सर, जीरो क्यों होता है? हाँ, इसी के ऊपर हमको डिस्कस करना है, अब हम करेंगे। सी, लेट मी टेक अ हॉलो कंडक्टर। ओके, वेरी क्लियरली सर, अगर हॉलो नहीं है तो हम सब बाद में बात करेंगे, हर एक डिस्कशन करेंगे। हॉलो है के भरा हुआ है, ये सब डिस्कशन हमको करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ओके, अभी के लिए समझाने के लिए मैं हॉलो कंसीडर कर रहा हूं, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा हम सब डिस्कस करेंगे। हॉलो नहीं, कड़क है, तो समझ पा रहा है हॉलो और कड़क के बीच में? मैं समझाता हूं, इफ योर इमेजिनेशन इज वीक, एक प्लास्टिक बॉल ले और एक लेदर बॉल ले, तू समझ गया होगा। हाँ, हमारा एक प्लास्टिक बॉल है, लेदर बॉल है, तो प्लास्टिक बॉल हॉलो, लेदर बॉल अंदर सब माल भरा हुआ है, वो जो भी भरते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, जो भी भरते रहेंगे वो गम वम जो भी है ना, वो सब जूट जब पता नहीं क्या क्या भरते हैं। ओके, जो भी है, तो हम हॉलो ले रहे हैं, एक मेटल ही लेना है, मेटल ही लेना है। तू मत पूछना सर मेटल क्यों, अरे बाबा आई हैव रिटन हियर कंडक्टर, व्हेन आई हैव रिटन हियर कंडक्टर तो हमको मेटल ही लेना है,
ओके इंसुलेटर लेंगे तो थिंग्स अलग है सर. अगर इंसुलेटर है तो उसका डिस्कशन अब हम नहीं इधर नहीं करेंगे. क्या डिस्कशन करना जरूरी है? गारंटी है. जरूरी नहीं है, गारंटी है. हमको करना कंपलसरी है, हम करेंगे वो. हम चार डिस्कशन करेंगे, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, वह दो कंडक्टर प्लास्टिक बॉल वाला, लेदर बॉल वाला, एंड इंसुलेटर प्लास्टिक बॉल वाला, लेदर बॉल वाला. चार केसेस करने हैं. स्टार मार्क क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का, वो स्टार मार्क क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के लिए हम वो तब करेंगे. अभी के लिए जितना मेरे थ्योरी के लिए चाहिए मैं उतना इनपुट तुझे दूंगा, ठीक है? तो अगेन कमिंग बैक टू बेसिक क्वेश्चन सर, कंडक्टर में अगर वो हॉलो है और वो कंडक्टर है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों? बिकॉज शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिकॉज चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस. चार्जेस इंग्लिश आना चाहिए बच्चा, इंग्लिश आना चाहिए. ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस. सर ऐसा क्यों? Why charges always reside on the surface? बोले तो let me explain. Let us take it as a charge body. Okay? देख मस्त एक स्टोरी सुनाता हूं. तू क्या कर, ये एक हमारा कुछ भी है, एक प्लास्टिक बॉल है. चलो प्लास्टिक बॉल ही माना था. इस प्लास्टिक बॉल को ध्यान से सुनना. ओके स्लोली जाएंगे. विल टेक दिस प्लास्टिक बॉल और इस प्लास्टिक बॉल को इंजेक्शन दिया. अब तू बोलेगा सर इंजेक्शन किसका है? चार्जेस का इंजेक्शन है. ये एक न्यूट्रल बॉडी था. कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सब बता रहा हूं, ठीक है? ये एक न्यूट्रल बॉडी था और मैंने चार्जेस को एक इंजेक्शन दिया. किसका सॉरी कंडक्टर को एक इंजेक्शन दिया. किसका इंजेक्शन दिया? चार्जेस का इंजेक्शन दिया. तो ऐसा तू पानी फेंका जैसे इधर सब चार्जेस आए. चार्जेस आए सब जगह. चार्जेस आए. अब ये सब चार्जेस क्या करेंगे बताएं? ये सब चार्जेस देख के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे. अब देख चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस. सरफेस पर आ गए. हाँ क्यों? क्योंकि कंडक्टर को टू रीजंस बोलेगा. फर्स्ट कंडक्टर में चार्जेस मूव हो सकते हैं. करेक्ट है? डू यू एग्री? कंडक्टर्स में चार्जेस मूव हो सकते हैं इसीलिए वो मूव हुए. सेकेंड पॉइंट सर हमेशा सेम चार्ज को रिपेल करना है. सिंस दे वॉन्ट टू रिपेल, ये सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. वंस अगेन सर विल मेक द कमेंट, ये चार्जेस सब जगह ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू रिपेल फर्स्ट एंड सेकेंड. चार्जेस आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर सो दे ऑलवेज रिसाइड ऑन द सर्फेसेस. ओके इसका और डिटेल्ड वर्जन हम सेकेंड चैप्टर में करेंगे. उसके अंदर के लेवल तक घुसेंगे जानने के लिए, अंदर तक लेवल के. अभी के लिए इतना बस है, इतना डिस्कशन किया उतना बस है समझाने के लिए. और डिटेल में हम बाद में घुसेंगे जब मैं सेकेंड चैप्टर करूंगा, इसके साथ कनेक्टेड है. ओके सो बिकॉज चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द कंडक्टर सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. सर जीरो क्यों? अरे बच्चा इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है ना आगे. ये बाउंसर तो सब बाउंसर है, प्लीज मैं अभी बता रहा हूं. तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों? अरे जब चार्ज ही नहीं है तो कहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्जेस अंदर है ही नहीं. इसीलिए पढ़, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. क्योंकि अंदर चार्जेस ही नहीं है तो कहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. करेक्ट है? अब बोल क्या ये सारे कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गए तुझे? बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, टाइम के साथ बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है?